आप देख सकते हैं, ये है वो गाय, नाम नहीं है जिसका भी पता नहीं कितने मारते इसको, हर दिन मारते हैं। नीचे पे एक आंटी जी गाली दे रही थी, पक्के रानो जी पता नहीं ऐसे कुछ बोल रही थी के रानो जी। तो अब यहाँ पे रुक रखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब यहाँ साई बाबा। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ग्राम बस्ती की इन हसीन वादियों से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस एक छोटा ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं, बस ऐसे ही, क्योंकि पहाड़ों में होता ना आजकल, पहाड़ों में भी ऐसे हो रहा है। पहले तो शहरों में तो होता ही है, मतलब बाहर तो बहुत होता है, पर पहाड़ों में भी ऐसे होता है कि लोग गाय बछड़े को दूध पीते ये है उसके बाद छोड़ देते हैं। तो कैसे करके उनको छोड़ देते हैं, सड़कों में छोड़ते हैं, तब वो गाँव में आकर खेतों में बर्बाद करते हैं खेत। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले उसका दूध पिया उतना वो क्या बैलू में भी हल लगाया, और जब वो ना काबिल हुए तो उनको छोड़ देते हैं। तो पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। तो ऐसे ही आज यहाँ पे एक गाय है, उसको दिखाते हैं आपको और किस तरह से छोड़ते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं कैसे होते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। तो चलो, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो अभी शाम का। तो ये आपका नीचे बांसवाड़ा, और अभी ये देखो ये गाय यहाँ, आप देख सकते हो यहाँ चले गई ये गाय। तो अरे पता नहीं 9-10 दिनों से इसको ऐसे छोड़ रखा था, तो आप देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे करते हैं, अला ए थर दे तेरा पैनलो ए थर दे लो। अरे तो आप देख सकते हो ऐसी गाय को छोड़ रखा है। तो अभी हम यहाँ से तो देख सकते हो, ले 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 ले। और आप देख सकते हैं ये है वो गाय, तो ऐसे छोड़ते हैं इतनी अच्छी गाय। तो आप देख सकते हैं, तो गाय माता का श्राप ऐसे लगेगा उनको कि उनको पता नहीं चलेगा तो कैसे इतनी बुढ़ी गाय को। अरे आप देख सकते हो आज तक इसका दूध पिया होगा और अब छोड़ रखा है ऐसे। तो ऐसे छोड़ते हैं पहाड़ों में, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिसका भी है गाय तो ऐसे छोड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऐसे छोड़ते हैं, अरे दूध पी पू कर इसने दूध दिया हो उसका दूध का कर्ज होगा उनपे बहुत बड़ा, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अरे तो अब ये लोगों के खेतों में आ रहा, तो खेत वो कर रहा, तो आप देख सकते हो अभी हम इनको ऊपर ले जा रहे जिनका होगा। और अभी हमने यहाँ पे रुका रखे है उस गाय माता को, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अरे और पता नहीं किस गांव से आ रखी है गाय, तो गांव वाले भी ऐसे छोड़ते हैं गाय को, मतलब दूध पीते हैं। हमारे गांव में पता नहीं कितने आते वो बाहर के, पर एक बात है हमारे गांव वाले बिल्कुल नहीं छोड़ते ऐसे गाय हुए ये। चल झूठ छोड़ना चाहिए इतनी बुढ़ी गाय को, इतनी अच्छी गाय, आज तक उन्होंने इसका दूध पिया होगा और इसको इस तरह छोड़ रखा है। ये पहाड़ों का एक दुर्भाग्य है, इसको पहाड़ों का दुर्भाग्य बोल सकते हैं हम, कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो पालो कुछ भी करो, बट ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सड़क में कहाँ जाएगी, घूमते रहते लोग पता नहीं कितने मारते इसको, हर दिन मारते हैं, और पता नहीं इतनी दया आती है, मुझे तो बहुत दया आती है ऐसी चीज़ों को देखकर। तो पता नहीं हर कोई मारते, और हर गांव जिनके भी खेत में ये गाय जा रहे हो वो भी गाली दे रहे हैं किसकी है। पहाड़ में होता है पता नहीं, अभी वहाँ पे एक नीचे पे एक आंटी जी गाली दे रही थी, पक्के रानो जी पता नहीं ऐसे कुछ बोल रही थी के रानो जी। तो ऐसी गाली पड़ती है, तो पता है आपको कि ऐसी गाली पड़ती है, फैमिली वाले सबको गाली पड़ती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए आप लोग। तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो अभी हम इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, इतनी काली गाय, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाय है इतनी काली। वाह तो चलो बोलो बोल से प्रधान जी सर उन से लेना तो का कोची वो वो जख वो बाय जड़ में आए वो भी अच्छा बात बात क्या बात बात क्या। अभी आपने देखा होगा और अभी आपने देखा होगा वो ताऊ जी गए आगे से, उन्होंने कहा ये हमारे गांव की नहीं है, तो सब अपने अपने देख रहे हैं, बोले हमारे गांव की इसको मत ले जाओ, ये पता नहीं कहां से भिजक है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें, तो सब अपने अपने गांव के वो कर रहे हैं कि हमारे गांव में ना आए, हमारे खेत बर्बाद ना करे, वो तो पता नहीं कहाँ से आ रखा है, बोले एक दो माउंड इसको हो गया बल, तो ऐसे कुछ बोल रहे हो। तो अरे क्या करे, नीचे भी नहीं ले जा सकते आप,
क्योंकि मिट्टी लोगों के खेत में आकर देने का है, उनको ऊपर ले जाओ। तो हम यहाँ लाए थे इसको, तो वो भी बोले कि ऊपर मत, यहाँ मत ले जाओ, बोले हमारे गांव में बर्बाद कर देगा। तो इतनी गाली पड़ रही है, इतनी गाली पड़ रही है, जिनका ये गाय है बछड़ा, तो उनको क्या ही बोले दोस्तों। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। यहाँ से राइडर भी चल रहे हैं सामने से, तो क्या करें, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीचे भी नहीं ले जा सकते आप, तो अब यहीं पे बैठते हैं थोड़ा। तो यहाँ से ए बॉडी हाँ या क्यों लोची बालू चल। अभी पता चला उनसे कि ये गाय आगे आगे गांव वालों की है, तो आगे उनकी गाय है ये, तो चलो आगे वालों की है ये गाय, तो चलो ये रुको रुको, तो चलो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। इसका घर आ गया यहाँ पे, ये अपने आप जाती है, तो हम यहाँ से नीचे चलते हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। तो चलो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे एक छोड़क है, तो चलो भयंकर बारिश लग गई आप देख सकते हैं। तो ये आपका बिरों गांव आगे सामने पे, और हम यहाँ से जाएंगे घर, और आगे गांव वालों का है ये। तो हमारे साथ हमेशा प्रॉपर्टी होता है जब भी कुछ काम करते हैं, और जब भी ब्लॉग बनाने का वो होता है तो प्रॉपर्टी हो जाती है, बारिश पूरा खराब कर देती है। आज भी बारिश लग गई है, तो हम काफ़ी आगे आए थे गाय को करने के लिए, तो अभी पता नहीं कैसे जाएंगे हम, क्योंकि बारिश तो भयंकर आने बैठ गई। तो चलो फिर भी चलते हैं, और आप ब्लॉग पे बने रहिए। तो बस मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको ये बताना चाहा कि गाय बछड़े को अगर पालने की वो ना हो, हिम्मत ना हो, तो नहीं पालना चाहिए। और जब पालते ही है तो दूध पीकर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उस गाय माता का इतना बड़ा श्राप लगते हैं, गाय को कहाँ नहीं पूछते, हर जगह पूछते हैं, तो फिर भी ऐसे कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ लोगों की सोच चली गई, और कहाँ ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आगे की नहीं सोच रहे, तो ऐसे ऐसे छोड़ रहे। पता नहीं कितनी गालियाँ पड़ रही होगी जिसकी ये गाय है, सब दे रहे गालियाँ, गाले तो देनी है, लोगों खेत बर्बाद कर रही है। तो चलो, और अभी देख सकते हैं बारिश भयंकर लग गई है, और ए सड़क में मत। अभी सामने से एक बोरा जी आ रहे, उनको पूछते हैं गुरु किसका था, उनको पूछते हैं गाय किसका था, तो इनको शायद पता होगा कि किसकी थी। फोन भेजी तो ए बोरा जी कहा गुरु था, तू कह कुछ हो, या कहा गुरु था, जब छोड़ो कहा गुरु, या गुरु बर्बाद करो बस। ये टागल जो आगे श्वेत, ये टागल जो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे क्या करना है, उन्होंने आग दिया, पहले तो खाते पीते हैं तब ऐसा छोड़ते हैं। देखो अब उन गाय के उनको पड़ेगा शराब, शराब तो पड़ेगा बहुत भयंकर वाला, उन्होंने छोड़ा है वही तो। हाँ तो अभी ताऊ जी भी बोल रहे की उनको शराब पड़ेगा, ये बोले 9-10 दिन हो गए उस गाय को, ताऊ जी ऐसा नहीं करना चाहे, ना हमारा नहीं है जिसका भी है, हम कुछ नहीं करते हैं। देखो पता नहीं कि उनको पड़ेगा शराब जिन्होंने छोड़ा है। हाँ वही तो, हाँ, उनको तो शराब पड़ेगा, तुम जाइए या अपन चौरी अपन अब मजा पर घास खाइए, और घास खाते तब गंजी चेत पार बोलो ठीक जाओ बर्फ लगी। हाँ तो बोरा जी ने बोल दिया, तो बोरा जी ने भी बोल दिया कि वो उनका नहीं था, वो 9-10 दिन से इस गांव में है। तो हाँ हाँ अच्छा फुन है बोलो, फुन है वो छोड़ दो, हमारे हमारी बहुत सुने वा। अच्छा तो गोरु पैन पूरा बर्बाद कर लो बस, तो ये पदन कोठार में हुआ वो। हाँ ताई जी ने भी बोला कि इनका भी नहीं है, इनके गांव के नहीं है, ना हमारे गांव के नहीं, तो ऊपर से यहीं से आ रहा, वो ऊपर से किसी गांव पहले खाना लेना ना, वन छोड़ने का फिर दूध खाना ना फिर छोड़ देना, तो ये नहीं करना चाहिए ना। हम नहीं बाप तुमने, हम पहाड़ों में ऐसे नहीं करना चाहिए, हम नहीं कदा और भैंस पाऊ पहले हम क्या कदा सेवा कदा गाजी पर तो। ये नहीं कदा हम कह की ब्याज दे नहीं जो हो वो बी के वाला पर हमार गाजी ला बारिश नहीं दे। ठीक धन्यवाद ठीक। तो ताई जी ने भी बोला अभी कि उनकी भी नहीं है, उनके गांव से भी नहीं है, तो बारिश इतनी भयंकर लग गई, बहुत पोपट हो गया, भैंस क्या पोपट ही होता है हमेशा।
तो अब यहाँ पे रुक रखे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब यहाँ पे रुके हैं क्योंकि बारिश भयंकर लग गई है आजकल। तो पहाड़ों में ऐसे होता है बारिश का पता ही नहीं चल रहा कब बारिश हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप घर भागना पड़ेगा यहाँ पे से। तो आगे कैसे जाना, तो चलो चलते हैं यहाँ पे से घर। वैसे तो प्लान बनाना था हमारे आगे से जाने के लिए, वहां से दिखाना था आपको, बट बारिश ने सब पोपट कर दिया। और जब भी आता है बारिश ही आती है, हमेशा पोपट ही होता है हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ होता है, कभी कुछ पता नहीं कैसे पोपट। तो आज देखा होगा आपने वहाँ पे बॉडी जी ने भी बोला कि हम तो ऐसे छोड़ते नहीं है, तो हर कोई ऐसा बोलते हैं। अगर उस गाय के वो भी मिल जाए ना जिनकी वो गाय, वो भी बोलेंगे कि हमारे नहीं है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सबका खेत ये बर्बाद कर देते हैं वो गांव में। और चलो, और आज का ब्लॉग यहीं पे तक था। आज के ब्लॉग के माध्यम से बस आपको दिखाना चाहता था मैं कि पहाड़ों का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे छोड़ते हैं गाय बछड़ों को दूध ये पीकर, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आगे से अपने गाय बछड़ों का ध्यान रखें और ऐसे ना छोड़े दूध पीकर, उसका कितना बड़ा श्राप लगता है वो तो वही जाने। और क्योंकि श्राप तो लगना ही है। अगर देखो इंसानी को देख लो, अगर इंसान अगर बुढ़े हो जाओ उनको ऐसे छोड़ा जाएगा, बोले अब तुम किसी काबिल के नहीं है, तो मैं छोड़ते हैं तुम ना काम करने के लायक है ना कुछ लायक है, तो मैं छोड़ देते हैं सड़कों में जाओ भड़को। तो देख, तो वैसे गाय वो भी होते हैं, उनको पाल रखा रहता है, उनसे दूध पिया रहता है, तो नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो ओके, बाय बाय। और बाय करो, सब बाय करो, मोगले बाय करो, बाय। तो चलो ओके, बाय बाय। कुट कुट, यहाँ से जाना हमने। ओ बाय।